एक क्वेश्चन जो बार बार लगातार आ रहा है, न्यूज़पेपर में भी रहता है सब जगह, हाउ इम्पॉर्टेंट आर एथिक्स इंटीग्रिटी इन एनी स्टेज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एथिक्स का मतलब है सच्चाई, गलत काम नहीं करना, हेरा फेरी नहीं करना, लोचे लफड़े नहीं करना, बेईमानी नहीं करना, हेरा फेरी नहीं करना। इंटीग्रिटी का मतलब है ऑनरिंग योर वर्ड, जो आपने बोला वो आपको करना है। देखिए, रेप्यूटेशन कैसे बनता है या रेकमेंड, लोग आपको रेकमेंड क्यों करते हैं? लोग आपको रेकमेंड तब करेंगे जब आपका रेप्यूटेशन है, जब आप रेफरेबल हैं। अब रेफरेबिलिटी के चार हैबिट्स होते हैं। सबसे पहला शो अप ऑन टाइम, दूसरा डू व्हाट यू से यू विल डू, तीसरा फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, एंड चौथा ऑलवेज से थैंक यू एंड प्लीज। तो सबसे पहला तो टाइम पे आना है, जिससे कि दूसरे लोगों की टाइम की कदर करते हैं, ये बात साबित होती है, ये एथिक्स की बात है, ये इंटीग्रिटी की बात है। दूसरा डू व्हाट यू से यू विल डू, आप जो बोलते हैं वो आप कीजिए, आपका टीम जो बोलता है वो उसको करना चाहिए। तीसरा फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, जो स्टार्ट किया उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाइए, बीच में छोड़ के मत जाइए, आधे में मत, आधा अधूरा मत छोड़िए। तीसरा, हर आदमी जिसमें आपको मौका दिया काम करने, उसको थैंक यू बोलो, प्लीज़ बोलिए, प्लीज़ हमको आगे भी काम देना, थैंक यू वेरी मच, आपने हमको काम दिया। नाउ इससे आपकी रेकमेंडेबिलिटी, रेफरेबिलिटी बढ़ती है और आपका रेपुटेशन बढ़ता है। 10-10 साल लग जाते हैं रेपुटेशन बनाने के लिए, 1-2 इंसिडेंट में रेपुटेशन खराब हो जाता है। तो रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिक्स, क्लीन बिजनेस करना, आज इंडिया में और वर्ल्ड में क्लीन बिजनेस करना बहुत ज़रूरी है। ये 2 नंबर का काम, टैक्स की चोरी, हेरा फेरी, GST की चोरी, सर्विस टैक्स की चोरी, सेल्स टैक्स की चोरी, एक्साइज की चोरी, यू नो कैश में काम करना, डबल बिल बनाना, बिल का हेरा फेरी करना, बिल का बेचना, ये सब लॉन्ग रन में आपको बहुत इफेक्ट करता है। मेरा एक क्लाइंट होता था जो 25 करोड़ का टर्नओवर है, और उसमें 25 करोड़ का टर्नओवर में कम से कम 20 से 21 करोड़ 2 नंबर का है। रोज गोनी में पैसा आता है, कैश आता है, कैश जा रहा है। तो वो बोलते थे, नायर साहब मैं ऐसा बैठा हूँ अपने कैबिन में, ग्लास का उसका कैबिन होता था, ग्लास का दरवाजा, जैसे दरवाजा खुलता है उसको लगता है ये इनकम टैक्स वाला है, उस दरवाजे जैसे कुछ उसको लगता है ये सेल्स टैक्स वाला है, इसको लगता है ये सर्विस टैक्स वाला है, इसको लगता है ये यू नो कोई तो गवर्नमेंट एजेंसी से आया और मेरे को पकड़ेगा। तो उसमें क्या हो गया, ये हेरा फेरी की वजह से क्या हो गया, उसके बाल झड़ने चालू हो गए, डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। दूसरा क्या हो गया, फिर रिश्तेदारों को रखना पड़ता है क्योंकि पूरा कैश का डीलिंग है, बाहर वाले आ नहीं सकते। किसी प्रोफेशनल को बोलेंगे हम तुमको 3 कंपनी में से पैसा देंगे, किसी प्रोफेशनल को बोलेंगे आप 50% हम कैश देंगे, 50% हम आपको क्या यू नो चेक में देंगे। ये सब चीज़ें करने से लॉन्ग रन में आपकी इज्जत खलास हो जाती है, आपकी इज्जत की नीलामी होती है, इंटरनल एम्प्लॉयज़ अनहैप्पी होते हैं, आप एकदम ट्रैप में और चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। तो इंटीग्रिटी और एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीन बिजनेस ही करना है, शॉर्टकट कभी नहीं लेना है। नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड्स आपके क्या है, आप अपने एम्प्लॉयज़ को बताइए कि हेरा फेरी नहीं करना, गलत काम नहीं करना है, गलत कमिटमेंट नहीं देना है, कमिटमेंट किए तो पूरा करना है, ऑनर करना है अपने वर्ड को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एथिक्स और यू नो इंटीग्रिटी, जो बोला आपको करना है। और नॉट ओनली एंटरप्रेन्योर, लीडर, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, रिसेप्शनिस्ट, जो भी कंपनी में जितने इंसान हैं, सब लोग जो बोले मार्केट में वो लोग को वो करना है। अगर आपने बोला कि डिलीवरी 4 बजे मिलेगा, 3:30 बजे डिलीवरी दीजिए। अगर आप बोलते हैं मेल आपको 5 बजे तक मिल जाएगा, 4:30 को मेल भेज दीजिए। जो भी आप बोलते हैं उसको ऑनर कीजिए, अपने वर्ड को ऑनर कीजिए। इंटीग्रिटी, सच्चाई, ईमानदारी के ही लाइफ को आपको जीना है, फिर आपको आराम से रात को नींद आएगी। आपको कुछ छुपाने के लिए नहीं है, आपके उधर कोई रेट गिरता तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे इधर सर्विस टैक्स वाले आके बैठे थे 15 दिन, मेरे को कोई भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। इनकम टैक्स वाले आएंगे बैठे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कोई भी टैक्स वाला आवे तो मैं तो कभी इधर ऑफिस में आता भी नहीं हूँ, क्योंकि हमारे पास कोई छुपाने के लिए ऐसा कोई हेरा फेरी, इधर का बिल उधर, उसके नाम पर इसके नाम पर झोल झाल तो हमने किया नहीं, करना ही नहीं है। करने से नुकसान होता है,
फिर वो छोटी बेईमानी होती है, फिर बड़े बेईमानी करेंगे, फिर आप मर्डर तक कर सकते हैं। ईमानदारी अगर नहीं है तो आप मर्डर तक से कर सकते हैं, गलत काम आप कर बैठेंगे, जेल चले जाएंगे, नाम बदनाम होगा, पेपर में नाम आएगा, एम्प्लॉयज छोड़ के चले जाएंगे, अंदर का मोटिवेशन बहुत लो रहेगा, एनर्जी को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। एथिक्स और इंटीग्रिटी से आप बहुत एनर्जी को क्रिएट कर सकेंगे। सच्चाई के रास्ते पे चलिए, ईमानदारी के रास्ते पे चलिए, 2 रुपया कम मिलेगा चलेगा, लेकिन प्रॉफिट के लिए कुछ भी करें, किसी भी हाथ में गिरेंगे, क्या भी करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। तो पर्टिकुलरली SME के लिए भी और बड़े कंपनी के लिए भी, बड़ा कंपनी में अगर हेरा फेरी किया तो सीधा अंदर चले जाओगे, छोटे कंपनी में आप अपना कंपनी को ही पीछे लेके चले जाओगे, और अगर आपने 2 नंबर बाकी सब चीज किया तो उसमें आपको हमेशा टेंशन रहता है, छुपाना होता है, आप खुद ही चोर है। फिर आप मेरे को, एक कस्टमर आके मेरे को बोला, मेरे इधर से ना मेरा जो राइट हैंड आदमी उसने चोरी करके, मैंने आप 2 नंबर का काम करते, बोले हाँ 50% में 2 नंबर कर, मैंने आप गवर्नमेंट की चोरी करे, वो आपकी चोरी करे, दोनों तो चोरी है। तो ये सब गलत बात है, करना ही नहीं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।